हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 आकांक्षा सेकेंडरी स्कूल में आपका स्वागत है। फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने 15.1 के क्वेश्चन नंबर 1-7 करवाए थे, आज मैं आपको करा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड। एक ग्रास लैंड है मतलब घास का मैदान, सर्कुलर है मतलब सर्कल टाइप का है, इस 35 मीटर जिसकी रेडियस है 35 मीटर, देयर इज ए रैम, रैम यानी बढ़ाना, ऑफ वाइड 7 मीटर, उसको 7 मीटर बढ़ा दिया मतलब इसको इस टाइप से कर दिया, यह बन गया कॉन्सेंट्रिक 7 मीटर अराउंड इन इट, मतलब चारों तरफ 7 मीटर का रास्ता कर दिया ये रहा। फाइंड द एरिया ऑफ द रैंप, इस रैंप का एरिया फाइंड करना, तो आप देख तो ये क्या हो गया कॉन्सेंट्रिंग, और कॉन्सेंट्रिंग का एरिया मैंने अभी तक लिखा ही नहीं है, लेकिन आज मैं लिखा दूं। उस फॉर्मूले के अंदर आप एक और फॉर्मूला लिखा देना, देखो ये इसके अंदर आर टू हो गई, एक तो ये आ रहा है 35 और सेकंड आर हो गए, इसको हम ऐड कर देंगे 7, तो इस टाइप से आर सॉल्व आप ले लो स्मॉल आर 35 मीटर एंड कैपिटल आर 35 + 7 42 मीटर। तो इस रैंप का एरिया फाइंड करना है, तो ये क्या होगा एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिंग, क्या हो गया आपको एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिंग। तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिंग का तो मैंने फॉर्मूला लिखा ही नहीं है, लेकिन मैं आज तुम्हें लिखा दूं। एरिया ऑफ रैम, तो इसमें कौन सा लगेगा, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक। तो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक क्या होगा, देखो दो, तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे 2r·5r² - 5r² कॉमन क्या रहा 5, इसको हटाओ तो r² - जो कॉन्सेंट्रिंग है 5r² और r² और ये भी राइट है, ध्यान रखना a² - b² r1, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी राइट है और ये भी राइट है। आपको पूछा एरिया ऑफ द कॉन्सेंट्रिंग, ये भी ले सकते हो और ये भी ले सकते हो। कॉन्सेंट्रिंग क्या होता है, जिसका रेडियस सेंटर सेम होता है और रेडियस डिफरेंट होती है, अलग अलग होता है, ये कॉन्सेंट्रिंग कितने भी हो सकते हैं, लेकिन सेंटर एक ही सेंटर से जो सर्कल बनता है वो कॉन्सेंट्रिंग सर्कल। देखो सेंटर एक ही है इसका और जो रेडियस है वो अलग अलग टाइप है, डिफरेंट है। तो हो गया एरिया ऑफ द रैंप इक्वल एरिया ऑफ द कॉन्सेंट्रिंग, कॉन्सेंट्रिंग का फॉर्मूला क्या होगा 5, मतलब ये बिग सर्कल में से स्मॉल सर्कल को लेस कर दो तो भी आपको आ जाएगा, लेकिन हमारे पास फॉर्मूला है कॉन्सेंट्रिंग, तो इसको पुटिंग करो 5 की वैल्यू क्या आती है 22/7 r² 42² - 35² तो इसके अंदर आप 22/7 तो 1 टाइम प्लस का लिखेंगे और 1 टाइम माइनस का, इसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगा है a² - b² 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस, ये फॉर्मूला। तब यह ले लो आप, यह नहीं आ रहा था
इक्वल 22 अपॉन 7 इंटू 42 प्लस 35 77 अपॉन 42 में 35 7 7 से 7 कट तो 22 इंटू 77 77 और 22 72 या 14 72 या 14 14 15 4 5 1 4 9 6 और 1 1 6 9 4 मीटर स्क्वायर ये होगा कॉन्सेंट्रिंग एरिया। तो ये फॉर्मूला आ सकता है एरिया ऑफ द कॉन्सेंट्रिंग आप क्या करोगे फाइव ये रहा फाइव ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एंड ये भी राइट है ध्यान रखना इसको इस फॉर्मूले यहाँ से ओपन किया गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो ए वन टाइम माइनस वन टाइम प्लस तो ध्यान रखना ये भी फॉर्मूला है ध्यान रखना ये कॉन्सेंट्रिंग सर्कल का फॉर्मूला ही है। यह ऑप्शन वाला क्वेश्चन है आप अपने बुक में ही देखोगे द एरिया ऑफ द बाउंड्री बाय द टू कॉन्सेंट्रिंग सर्कल्स इज तो फर्स्ट ए देखो आप फाइव आर स्क्वायर ये हो नहीं सकता और बी देखो फाइव आर कैपिटल प्लस ये आपके इसका आंसर होगा बी क्या होगा क्वेश्चन नाइन का आंसर क्या होगा बी इसमें ने कॉन्सेंट्रिंग एरिया पूछा है तो इसका आंसर क्या होगा बोलो नाइन के बी आप बी पर टिक लगाओ। अब आपका क्वेश्चन नंबर टेन टेन के अंदर क्या कह रहा है बुक के अंदर ध्यान देना द रेडी ऑफ टू कॉन्सेंट्रिंग सर्कल ये भी कॉन्सेंट्रिक वाला है सर्कल आर फोर सेमी तो आर इसका कैपिटल क्या हो गया फोर सेमी और स्मॉल क्या हो गया थ्री सेमी फाइन क्या करना है एरिया ऑफ कौन सेंट्रिक फॉर्मूला क्या होता है फाइव आर प्लस आर आर माइनस आर 22 अपॉन 7 4 प्लस 3 4 माइनस 3 22 अपॉन 7 7 इंटू 1 तो 22 सेमी स्क्वायर तो इसका आंसर क्या होगा इसके अंदर ए आंसर क्या होगा ए 22 सेमी। ये आपके एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट हो गई है। अब आपको मैं बता दूं इसके अंदर पेज नंबर निकालो आप पेज नंबर 165 के अंदर देखो आप टू हंड्रेड 166 के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं एग्जाम्पल नंबर 1 फाइंड द रेडी ऑफ सर्कल गिवन बिलो गिवन ये दो क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन है सर्कमफेरेंस से क्या फाइंड करना आपको आर फाइंड करना सर्कमफेरेंस से आर फाइंड करना मैंने बताया सर्कमफेरेंस से आर कैसे फाइंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल मतलब आर 7 सेमी है और उसका एरिया फाइंड करना है और एग्जाम्पल नंबर 3 इंपॉर्टेंट लगाओ इसको ये मैंने कराया था ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 ये आपको ही करना है ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन है आपके फोर जैसा आइए क्वेश्चन नंबर 4 जैसा एग्जाम्पल नंबर 3 तो देख के थोड़ा सा ध्यान रखना तो इसके एग्जाम्पल विद आपको 5.1 पूरी कंप्लीट करना है और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको 15.2 के फॉर्मूले करूँगा